यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अगर आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा दो चीज़ें एक तो ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स का सहारा लीजिए डोंट लुक फॉर इंफॉमेसन ऑन अदर वेबसाइट्स लाइक कंसल्टेंट वेबसाइट्स और एजुकेशनल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग वेबसाइट्स बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी इनक्यूरेट सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनकी एक्चुअल वेबसाइट्स पर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके देखिए जो डॉट सी ए हैं डॉट ई डी यू हैं इस तरह की वेबसाइट्स होंगी वो और वहाँ पर जाके प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर स्टूडेंट्स का जो टैब होता है वहाँ पर क्लिक करिए दे विल गिव कम्प्लीट वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होती हैं लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज़ तो होती ही हैं

तो जहाँ से भी आपने बैचलर्स डिग्री की है जहाँ से भी आपने मास्टर्स डिग्री की है वहाँ से वो एक ऑफिशियल सील्ड एनवेलप में ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे या फिर ई करेंगे एंड दैट विल गो फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल ई मेल ठीक सो दीज आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनकी एक्चुअल वेबसाइट्स पर जाके चेक करिए उनको दूसरी बात यह है कि आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देखिए अमेरिका कैनेडा इन जो यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली इन कंट्रीज़ में एम और पी एक तो एम को वहाँ पर एम कहते हैं और एम और पी को इकट्ठा बेसिकली वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एक कैटेगरी दे देते हैं सो so, हमारे यहाँ पे क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है इसको तो हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं सो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू ग्रेजुएट प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड वैन यू क्लिक ऑन इट यू विल फाइंड मास्टर्स एंड डॉक्टोल डिग्री प्रोग्राम्स एंड चेकआउट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स एंड मेक एन एक्सेल शीट और अ वर्ड डॉक कि आप एक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाइए उनके डिपार्टमेंट्स देखिए पहले तो ये देखिए कि आपकी जो पसंदीदा जो रिसर्च एरिया है चाहे वोलिकुलर बायोलॉजी है चाहे वो जीनोमिक्स है इम्यूनोलॉजी है मोलिकुलर बायोलॉजी है कहाँ पर एक्चुअली कटिंग एज रिसर्च हो रही है जो आपके ड्रीम डेस्टिशन हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखिए एंड एज ऑलवेज आई वॉन्ट टू रिटरेट आई प्रोवाइड ए टू जेड complete information and complete guidance for this admissions process i will guide you through gre i will guide you through toefl or ielts and i will guide you through selection as well as applying to different universities through the whole admissions process it is a four to five months admissions process so if you are interested please let me know and i hope to make you successful and get you into your dream university take care and all the best bye bye